गाइस तो आज हमने यहाँ पर बनाया है एक लूडो मीटर जिसकी गर्दन ऐसे ऐसे घूमती है। अब इसमें इतनी हैरान होने की कोई बात नहीं। तो गाइस इस हीटर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक हीटिंग रोड जो कि आपको 30 रुपये की इजिली मिल जाएगी। अब हम इसकी बॉडी बनानी है, मतलब ये वाली बॉडी नहीं, हम बनाएंगे पीवीसी पाइप से बॉडी। तो यहाँ पर जो ये पीवीसी पाइप है इसकी मोटाई है 4 इंच और यहाँ पर जो रोड है इसकी है लंबाई यहाँ पर 10 इंच। हम यहाँ पर 14 इंच पर एक मार्क लगाएं क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाइप इसमें चाहिए होगा क्योंकि हमें इसमें कनेक्शन करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसमें हीटिंग रोड लगानी है। तो मैं यहाँ पर इस हीटिंग रोड के आगे तरफ मार्क लगा करके और यहाँ पर 4 इंच पर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा क्योंकि हमें इसका जो ये एरिया है इसको यहाँ से कट कर देना है। हाँ तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको कट कर दिया काफ़ी बढ़िया से। अब इसको यहाँ पर फिनिशिंग दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने फिनिशिंग दे दी है। अब यहाँ पर मैंने एक लकड़ी की जो फट्टी होती है उसको लिया जो कि काफ़ी हल्की है, काफ़ी ईजिली तरीके से कट गई है। इनको हम लगाएंगे साइड साइड पे क्योंकि गाइस अगर हम इस पर डायरेक्ट ही हीटिंग रोड लगा देंगे तो ये पीवीसी है ये मेल्ट हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इस पीवीसी को मेल्ट होने से बचाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों फट्टियों को लगाया है सेम इसके बीच में हमें छोटे छोटे से पीसेस और चिपकाने होंगे। तो मैं इनको फटाफट से यहाँ पर कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोटे छोटे पीसेस अंदर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर यह एल्युमिनियम की बोतल मैंने इसको कट कर लिया है। इसकी जगह पर आप जो ऑयल टिन आता है उसके भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट कर देंगे। तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से कट करके मोड़ लिया है। तो देख सकते हैं ये तो गाइस यहाँ पर इतने एरिया में लग गई है और देख सकते हैं बिल्कुल भी पाइप से टच नहीं होगी, काफ़ी इसमें गैप है और पाइप हीट भी नहीं होगा। और सेम इसी प्रकार से मैंने एक और बोतल को कट किया है, इसको हम लगाएंगे इस साइड पे। तो मैं इसको भी फटाफट से लगा देता हूँ। तो गाइस फाइनली देख सकते हैं मैंने इन दोनों बोतलों को यहाँ पर लगा दिया है। अब इनको यहाँ पर टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्क्रू से टाइट कर दिया। अब इसमें हमें यह हीटिंग रोड लगानी है तो चलिए फटाफट से इसको भी लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने दोनों ही तरफ से एक एक वायर जोड़ दिया है। अब जो ये हीटिंग रोड है इसको यहाँ पर लगा देते हैं इसके अंदर और यहाँ पर मैं इसको टाइट कर दूंगा जो पेंच होते हैं उनकी मदद से। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से टाइट हो गई और इधर भी हमने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया है। और यहाँ पर गाइस थोड़ा सा एल्युमिनियम कम रह गया था, हम बाद में यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर हम फैन लगाएंगे एक साइड में और नीचे से हमें इसको पूरा बंद करना होगा एल्युमिनियम की शीट लगा करके। तो मैं यहाँ पर नीचे एल्युमिनियम की शीट को लगा दिया है, जो बोतल का नीचे का बेस था उसी को ही वापस से लगा दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर हवा जाएगी फिर आगे से ये पीवीसी मेल्ट हो जाएगी क्योंकि गर्म हवा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगने वाली है। तो मैं यहाँ पर इसको भी कवर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस पर MDF बोर्ड आता है उसका छोटा सा पीसेस यहाँ पर लगाऊंगा। तो उससे पहले गाइस यहाँ पर जो ये वायर है ये हीट होकर के मेल्ट हो जाएंगे और इस टीन से टच हो जाएंगे तो करंट आ जाएगा इस टीन में और आपको भी लग सकता है। तो आपको फाइबर स्लीव लगा देनी है, काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाती है, 5 या फिर 10 रुपये की आपको ये मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया, देख सकते हैं काफ़ी बड़े से। अब यहाँ पर जो गर्म हवा आएगी वो नीचे नहीं जाएगी, इस पर ही टकरा के यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। तो जो ये ऊपर वाला ढक्कन है इसको बंद नहीं करना, ऊपर हम इसमें फ़ैन लगाएंगे जिससे कि ऊपर से गर्म हवा जाएगी और बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर भाइयों अब यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम की शीट और ली है, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनको लगा दिया, ये देख सकते हैं ऊपर हम फैन लगा देंगे इसके ऊपर, इसको पूरा हमने बंद नहीं किया है। अब इस सीट को हम यहाँ पर पेंच की मदद से रोक देंगे वरना ये किसी भी चीज़ पर टच हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पेंच लगा दिए, एक नीचे वाले पर एक ऊपर वाले पर, इतना काफ़ी है, कहीं पर भी ये नहीं भागेंगे। अब जो ये वायर है ये हीट होके इसके कवर उतर सकते हैं और जो ये एल्युमिनियम है इससे टच हो सकता है। तो ऐसा जो फाइबर स्लीव है इस तरफ भी हम यहाँ पर फाइबर स्लीव लगा देंगे। तो गाइस अब यहाँ पर हमें एक होल बना देना है, बिल्कुल हल्का सा करना है जो पीवीसी में ही हो और यहाँ पर एल्युमिनियम में होल नहीं होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर जो ये वायर है इनको यहाँ से निकाल देता हूँ।
तो गाइस एक ये है मेरे पास यहाँ पर सीपीयू फैन, मैंने इसको पुराने खराब इन्वर्टर में से निकाला है, काफ़ी सालों से चल रहा है और अभी भी ये चलता है और काफ़ी अच्छी इसकी हवा है, इसी को ही हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैंने दोनों रोड के वायर इनको निकाल दिया है। अब यहाँ पर जो सीलिंग लाइट होती है मैंने इसकी जो आगे की कैप है उसको लिया है, तो इस रिंग को हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि गाइस अगर हम पीवीसी से रिंग बनाते तो भी हमें उसके बीच में ऐसा गोल होल करना होता और हमारे पास ऐसा होल भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो ये वायर है इन दोनों पे अलग अलग से स्लीव लगा दिया है जिससे कि जो वायर हीट हो गए ना आपस में नहीं चिपकेंगे और जो ये वायर है अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो अब मैं जो ये वायर है इनको भी यहाँ से निकाल दिया हूँ और अब यहाँ पर हमें इसको चिपकाना होगा। तो गाइस देख सकते हैं दो वायर यहाँ पर निकल गए हैं फैन के और दो यहाँ पर ग्रीन वाले वायर है वो है यहाँ पर हीटिंग रोड के। अब मैं यहाँ पर इस रिंग को अच्छे से चिपका देता हूँ और जो यहाँ पर फैन है इस फैन को हमें यहाँ पर बिल्कुल मिड में ला करके और इसको फिर यहाँ पर स्क्रू की मदद से टाइट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो ये फैन है मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें इसके ऊपर की जाली है उसको बनाना है। तो यहाँ पर जो ये एल्युमिनियम की जाली है इसको मैं यहाँ पर गाइस ऐसे लगा सकता हूँ डायरेक्ट गोल करके, लेकिन गाइस दिक्कत क्या है जैसे ये गर्म होगा तो जाली भी गर्म होगी और जाली गर्म होगी ये हमारे यहाँ पर पाइप को भी मेल्ट कर देगी। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे जो ये एल्युमिनियम की है इसी के ऊपर ही हमें इस जाली को टाइट करना है। तो यहाँ पर ये मैंने छोटा सा पाइप लिया है इसी के साइज़ का, मैं यहाँ पर इसकी जाली को डिज़ाइन देने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो एक्स्ट्रा जाली होगी उसको मैंने ऐसे मोड़ दिया है और यहाँ पर अब जो ये जाली है इसको मैं यहाँ पर ही टाइट कर दूँगा जिससे गाइस यहाँ पर ये पीवीसी से टच नहीं होगी। इस लकड़ी में हमने इसको टाइट कर दिया है जाली को, आप कितनी भी गर्म होए कोई दिक्कत नहीं, आपकी पीवीसी यहाँ पर जो है मेल्ट नहीं होगी। तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें इसके नीचे का जो बेस है उसको बना देना है। जो हमारा यहाँ पर ये हीटर है ये तो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया काफ़ी बढ़िया, ये यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अभी हमें यहाँ पर इसको बनाना है रोटेटिंग करने वाला जिसमें यहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। उसके लिए आपको यहाँ पर एक बैरिंग चाहिए होगा जो कि आपको मार्केट से 20 रुपये का इजिली मिल जाएगा और यहाँ पर जो ये बोल्ट है ना इसके अंदर काफ़ी लूज़ आ रहा है, हमें इस बोल्ट को यहाँ पर टाइट करना होगा यानी मिड में लाना होगा। तो यहाँ पर मैंने लेवल वाला पाइप लिया है, इसको देखती हैं लगा करके, वाव गाइस बिल्कुल ही इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर हम इसको सुपर ग्लू से चिपका देते हैं और एक्स्ट्रे को कट कर देंगे। तो गाइस अब यहाँ पर इसे बोल्ट को लगाते हैं, तो यहाँ पर मैंने इस बोल्ट को लगा दिया है, काफ़ी टाइट आ गया है और हमने इसको टाइट कर दिया है, यहाँ पर बिल्कुल मिड में है अब, जब कोई दिक्कत नहीं आई है घूमने पर। अब यहाँ पर जो ये पीवीसी पाइप है इसके अंदर हमें इसको लगाना होगा, तो इस पाइप को हीट करेंगे फिर इसके अंदर इजिली आ जाता है। तो जो इसकी लेंथ है वो है 2.5 इंच। अब यहाँ पर मैंने दो पीवीसी को आपस में जोड़ लिया है और एक यहाँ पर हमने होल कर रखा है जो आगे की तरफ है, इसमें हम यहाँ पर इस बोल्ट को लगाएंगे और इसके ऊपर नट को टाइट कर देंगे, जितना आपसे टाइट हो सके पूरा फुल टाइट कर देना है। और यहाँ पर गाइस हमें एक ग्रुप बनाना है काफ़ी लंबा, तो मैं फटाफट से उस जुगाड़ को बना लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं अब यहाँ पर ये टी की तरह बन गया है। अब यहाँ पर लिया हमने एक छोटा सा गियर मोटर और ये 12 वोल्ट से चलता है। गाइस मैंने इसी मोटर से जो चेसर लाइट है वो बनाई थी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो मोस्ट पॉपुलर वीडियो हो गई है हमारे चैनल की। तो अब यहाँ पर हम इसको चिपका देते हैं और गाइस यहाँ पर ये रोटेटिंग करने का काम में आएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें एक स्क्रू को लगा दिया है और यहाँ पर गाइस जो रोटेटिंग जो सिस्टम है वो हमारा रेडी हो चुका है। एक बार आपको टेस्ट करा के दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं 12 वोल्ट बैटरी चल रहा है काफ़ी मस्त, इसके ऊपर हीटर लगेगा तो वो भी ऐसे ही घूमता रहेगा। और यहाँ पर हम इसमें स्पीड कंट्रोल भी लगाएंगे बाद में जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हीटर को टिकाने के लिए हमने यहाँ पर पीवीसी से कुछ ऐसा डिज़ाइन बना दिया है और ऐसे हमने यहाँ पर दो बनाए हैं, आप चार भी बना सकते हैं। तो अब मैं इनको यहाँ पर ऐसे चिपका देता हूँ। गाइस मैंने इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके चिपकाया जिसके ऊपर यहाँ पर पाइप ईजिली चिपक जाएगा और अब यहाँ पर हमें इसका बेस बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये बना बनाया बेस लिया है, इसके मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें यहाँ पर मैंने कॉटन कैंडी मशीन बनाई थी। अब मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर इसको स्टैंड को बना सकते हैं वरना फिर आप इस हीटर को डायरेक्ट ही चला सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर इसको काफ़ी अच्छे चिपका देता हूँ। गाइस सारा लोड इस पर पड़ने वाला है, ये आसानी से यहाँ पर टूट जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर
तीन पीसेस मैंने यहाँ पर कट किया है, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे। जैसे जो पवन चक्की का स्टैंड होता है सेम वैसे ही आपको बना देना है, जिससे कि कितना भी फास्ट घूमे या फिर कितनी भी ज़्यादा लोड इस पर रहे तो ये टूटेगा नहीं। अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ से बन गया है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो ये मोटर है इसकी वायरिंग करनी है। तो इसको चलाने के लिए हमें लेंगे यहाँ पर एक स्पीड कंट्रोलर, और यहाँ पर इस पर लिखे हुए हैं पावर माइनस, पावर प्लस, मोटर माइनस। काफ़ी सीधे कनेक्शन है, तो मैं यहाँ पर वायर ऐसे जोड़ देता हूँ। जो यहाँ पर लंबे वाले वायर है ये हैं मोटर वाले, जो यहाँ पर छोटे वायर है ये हैं पावर वाले। तो अब मैं यहाँ पर इस स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पर टाइट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमें दो स्विच लगाने होंगे, एक रोड का और एक यहाँ पर फैन का। तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी दो कटिंग बना लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर जो ये मोटर के वायर है, ब्लू वाला प्लस है, ब्लैक वाला माइनस है। तो मैं यहाँ पर इसके मोटर के ऊपर इसको जोड़ने वाला हूँ, जो ब्लैक वाला को ब्लैक के साथ, रेड वाले को जोड़ दिया उन्हें ब्लू के साथ। अब मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग करके इस पर यहाँ पर हीटिंग स्लीव आती है उसको लगा दूंगा, जिससे कि यहाँ पर जो ये वायर है आपस में शॉर्ट नहीं होंगे। तो जो यहाँ पर ये वाला गियर मोटर है इसके कनेक्शन सीधे हमने जोड़ दिए हैं यहाँ पर स्पीड कंट्रोलर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने वायर को बाद में छोटा कर लूँगा, जिससे आपको समझ में इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर बचे हुए हैं जिसमें हमें 12 वोल्ट देनी है। तो 12 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा एक 12 वोल्ट का मदर सर्किट। ये मैंने निकाला है गाइस पुराने ख़राब सर्किट में से, जो यहाँ पर वीडियोकॉन की सेटअप बॉक्स मेरे पास पड़ी हुई थी, काफ़ी मतलब ख़राब हो गई थी, लेकिन जो उसका चार्जिंग है ये काफ़ी सही था, तो मैंने इसको निकाल लिया है। ये दो वायर है एसी करंट के हैं, और यहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्लस और माइनस मिलता है। तो अब जो ये सर्किट है इसको हमें लगा देना है इसके नीचे। लेकिन गाइस इस सर्किट इसमें स्टैंड में हमें थोड़ा वेट भी तो करना होगा, वरना ये किधर भी गिर जाएगा। तो थोड़ा वेट बढ़ाने के लिए मैं इसमें यहाँ पर इस हैवी पीस का यूज़ करूँगा, और इसको एक कोने में मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। तो गाइस अब यहाँ पर जो ये मदर सर्किट है इसको यहाँ पर हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पर इसको जो स्क्रू की मदद से टाइट कर दूँगा, जिससे यहाँ पर ये बार बार कहीं पर भी नहीं भागेगी। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस वाले जो वायर है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर प्लस माइनस के साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो ये वायर है मोटर के, ये तो हमने पहले आपको जोड़ के दिखाए थे। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, जहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट निकला है। अब यहाँ पर ये दो वायर हैं ये एसी करंट के हैं, उनको अभी नहीं छेड़ना है। तो जो ये आउटपुट 12 वोल्ट माइनस वाला है ब्लैक वाला, इसको हम सीधा जोड़ देंगे, कोई सी भी एक लेग पर आपको जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया है, इसमें से एक वायर सीधा ऐसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पर इसके दोनों खूंटियाँ बची हुई है, और यहाँ पर गाइस अब हमें इसके ऊपर हीटर को जोड़ना होगा, उसकी कनेक्शन करने होंगे। तो पहले इसी हीटर का हम यहाँ पर देखते हैं मिड पॉइंट कहाँ पर आएगा। 15 इंच इसकी लंबाई है, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच पर एक मार्क लगा देंगे, क्योंकि गाइस हमें इसको बिल्कुल बैलेंस में उसके ऊपर लगाना होगा, जिससे कि इसको घूमने में रोटेट होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पर इसको काफ़ी मजबूती से चिपका दिया है, अभी इसका छूटने का यहाँ से कोई सवाल ही नहीं बनता। तो मैंने इसको काफ़ी मजबूती से यहाँ पर लगा दिया है, और यहाँ पर ये पाइप बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। और गाइस यहाँ पर जो ये फैन के वायर है हमने इनको लंबे कर लिए हैं, जो कि ये वाला फैन है इसके वायर हमने लंबे कर लिए, और जो ग्रीन वाले वायर है ये है हीटिंग रोड की। अब मैं यहाँ पर हीटिंग स्लीव को इसके ऊपर लगा देता हूँ, और इन चारों वायर को यहाँ से निकाल दूंगा, जिससे कि जो ये वायर फैले हुए हैं, मतलब अब ये वायर नहीं फैलेंगे, अब देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इसको हीट कर दिया है, अब यहाँ पर हम एक होल करेंगे और इन चारों वायर को यहाँ से निकाल दिया। जो फैन का है यहाँ पर प्लस वाला रेड वाला, इसको हम जोड़ देंगे यहाँ पर 12 वोल्ट जहाँ से ये प्लस वाला आया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर जोड़ देता हूँ। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी आसानी से आपको कनेक्शन बताए हैं। ये यहाँ पर 12 वोल्ट जुड़ गया है फैन का, जो कि इससे आया हुआ है। अब यहाँ पर माइनस वाला है, इसको हमें जोड़ना है ऑन ऑफ स्विच की जो दूसरी लेग बची हुई थी। तो मैं यहाँ पर इसको सोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो फैन के वायर है कंप्लीट हो गई। अब जो हीटिंग रोड है इसके वायर जोड़ने हैं, तो मैं यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच है इसकी कोई सी भी एक लेग पर आपको इस वायर को जोड़ देना है, कोई सी भी एक वायर को। यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया है, और यहाँ पर एक वायर बचा हुआ है, ये देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे, इसके हमें यहाँ पर करंट देना होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि मैन पावर की एक रेट। तो यहाँ पर ये काफ़ी हैवी है, तो यहाँ पर मैं इसके वायर है इनको छीन लेता हूँ, और इनमें से कोई से भी एक वायर को तो आपको जोड़ देना है ऑन ऑफ स्विच की दूसरी लेग पर, जहाँ पर हमने ग्रीन वाला वायर जोड़ रखा है उसकी दूसरी लेग पर मैंने इसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो रेड वाला वायर बचा हुआ है इसको जोड़ देना है दूसरे ग्रीन वाले वायर के साथ। तो भाई जो कनेक्शन सभी कंप्लीट हो गई, इसमें तो हीटिंग रोड है उसमें तो करंट आ जाएगा, लेकिन मोटर में पावर कैसे आएगी, पहले हमें इसको सर्किट को करंट देना है। तो यहाँ पर जो ये एसी वाले वायर है दो, इन दोनों को भी हमें करंट देना होगा। तो हम यहाँ पर जो एक वायर है इसी को डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट फोल्ड कर दिया। और दूसरा वायर है इसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं जहाँ पर ब्लैक वाला वायर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेन रीड है उसी के वायर हमने यहाँ पर भी जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर जो ये कनेक्शन है पूरे कंप्लीट हो गए। गाइस अगर आपको इसके कनेक्शन अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करना है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका सर्किट डायग्राम बना करके डाल दूंगा जिससे कि आप उनको समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर जितने वायर हैं मैंने जिप टाई लगा दिया है जिससे वायर बाहर नहीं निकलेंगे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट भी कुछ भी नहीं होएगा। अब यहाँ पर जो इसका ढक्कन है इसको बंद कर लेते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना, अगर आप पे ऐसे वायर जुड़ते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो नीचे से ढक्कन है इसको बंद कर देंगे वरना करंट लगने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। अब जो हमने इसके ऊपर जाली लगा दिया है जिससे कि उंगली ना लग सके। तो गाइस अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें एक हैंडल लगा देना है, ये मैंने खुद ने बनाया है। जो एल्युमिनियम की पत्ती इसके अंदर लगी हुई है उसी की मदद से मैंने यहाँ पर इसको बनाया है और इसके ऊपर स्प्रिंग जो पाइप आता है उसको लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं काफ़ी बढ़िया से, थोड़ा पीछे की तरफ कर लगाना है आपको जिससे कि हीट इसके ऊपर नहीं आएगी और आपकी पीवीसी भी मेल्ट नहीं होगी। तो गाइस यहाँ पर जो एक हीटर है कंप्लीट हो चुका है और ऐसा हीटर अभी तक आपको किसी ने तो बनाकर नहीं दिखाया होगा। गाइस जैसे मैंने स्विच को ऑन किया फैन यहाँ पर चालू हो चुका है, काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को जूम कर सकते हो। तो देखिए ये फैन काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब मैंने स्विच को बंद कर दिया, फैन भी यहाँ पर रुक गया है हमारा। मैंने जाली इसलिए लगाई छोटे बच्चे की उंगली इसमें लग सकती है। और यहाँ पर गाइस अब मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये रोड है यहाँ पर हीट होना शुरू हो जाएगी। इसको जैसे मैंने यहाँ पर इसको ऑन किया लाइट थोड़ी सी कम हो गई, मतलब ये चालू हो चुकी है। और यहाँ पर गाइस अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा घुमाऊँगा तो देख सकते हो इसकी जो यहाँ पर जो ये गर्दन है ये ऐसे ऐसे अपनी गर्दन को घुमाने लगा है। और यहाँ पर आप इसको अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर कम या ज़्यादा इसकी स्पीड कर सकते हो, ये काफ़ी कम मैंने स्पीड कर रखी है और इतनी इनफ है। गाइस मैंने यहाँ पर और फास्ट कर सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा और फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन इतनी यहाँ पर इनफ है। तो गाइस यहाँ पर अब इसको चला के हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको ऑन किया लाइट में फ़र्क पड़ गया, तो मतलब ये चालू हो चुकी है। तो इसको हीट होने देते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी लाल हीट हो गई है और ये वही हीटर है। चलिए यहाँ पर मैं एक बार लाइट को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं वही हीटर है और यहाँ पर लाल हो रही है। अब यहाँ पर मैंने स्विच को ऑन किया और यहाँ पर फैन चलना शुरू हो गया, अंदर से काफ़ी गर्म गर्म हवा आ रही है और इसकी हम यहाँ पर ऐसी गर्दन घुमा सकते हैं। अगर आप सामने दो जने बैठे हैं तो दोनों ही की तरफ को ये हीटिंग फेंकेगा काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पर लाइट को ऑफ करते हैं, देखते हैं रात में कैसा लगता है। वाओ गाइस काफ़ी मस्त है। गाइस आपको ऐसा हीटर अभी तक किसी ने बना करके दिखाया हो तो यार उसका लिंक मेरी कमेंट में डाल देना, और अगर ऐसा हीटर नहीं बना के दिखाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।